ऑस्ट्रेलिया में भारी वर्षा से मसूर को नुकसान होने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में भारतीय आयातक मसूर के दाम घटाने को तैयार नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अचानक मसूर के दामों में तेजी आ चुकी है, क्योंकि वहां पर फसल खराब होने की खबरें जोर पकड़ रही हैं। ऊंचे दामों की वजह से आयातक अधिक मात्रा में सौदे नहीं कर पा रहे, लिहाजा अब देश में नवंबर में ऑस्ट्रेलिया कनाडा से अधिक मात्रा में मसूर आने की उम्मीद फिलहाल कम होती दिखाई दे रही है। उधर भारत में नई मसूर फरवरी मध्य से पहले आने के आसार भी कम हैं। इस अवधि तक भी भारत को लगभग 5 से 6 लाख टन मसूर की जरूरत पड़ेगी। दूसरी ओर सरकार ने मसूर का रकबा बढ़ाने के लिए मसूर की MSP 500 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी है। अब बोवनी बढ़कर होने की संभावना की जा रही है, लेकिन फरवरी से पहले मसूर की फसल बाजारों में नहीं आएगी। वहीं फरवरी मध्य तक भारतीय बाजारों में नई फसल देखते हुए आयातक जनवरी के आगे के भी सौदे नहीं कर पा रहे, और मसूर का भविष्य जनवरी अंत तक मजबूत रहने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि विदेशों में देखा जाए तो मसूर की फसल को नुकसान हुआ है और वहां पर कीमतें तेज हैं, और उसके चलते भारत में भी उम्मीद की जा रही है कि मसूर की कीमतों में आने वाले दिनों में जनवरी अंत तक तेजी बनी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।